नमस्कार मित्रों, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर फुर्सत ज्ञान की पूरी टीम की तरफ से सभी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सत सत नमन और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे फुर्सत ज्ञान हाजिर है आपके सामने एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आइए आज के दिन कुछ ऐसे अनवॉइस्ड स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानें जिन्होंने भी भारत को आजादी दिलवाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। यूं तो ऐसे कई सारे नाम है, पर उनमें से कुछ अहम नाम है तिरुपुर कुमरन। तिरुपुर एक छोटी सी शहर है कोयम्बटूर तमिलनाडु के पास। कुमरन वहीं के रहने वाले हैं और बात कुछ 1932 की है जब अंग्रेजों ने भारत की तिरंगे पर प्रतिबंध लगा रखी थी। उस समय कुमरन ने भारत के लहराते तिरंगे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रदर्शन निकाला था। यूं तो अंग्रेजों ने इसका काफी विरोध किया, कुमरन को बार बार भारत के तिरंगे को नीचे रखने और प्रदर्शन खत्म करने को कहा गया, पर कुमरन ने अंग्रेजों की एक ना सुनी। अंग्रेजों के द्वारा कई बार बुरी तरह चोटिल होने पर भी उन्होंने भारत की तिरंगे को नीचे नहीं रखा और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मरते दम भी उन्होंने भारत के तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। अब ऐसी ही एक और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में भी जानें जिन्होंने भारत की महिलाओं के लिए काफी काम किया। तो नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी का जन्म 3 अप्रैल 1903 में हुआ था और वो एक सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर थी। अंग्रेजों के टाइम में इन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स को अपलिफ्ट करने में काफी अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ उस समय औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था और उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड थी उसको सुधारने और उसको अपलिफ्ट करने में भी काफी अहम भूमिका निभाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कमला देवी भारत की पहली महिला थी जिन्हें जेल भेजा गया और अपने जीवन की करीब एक साल उन्होंने जेल में ही बिताई। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी ही और वीर जवान के बारे में जानते हैं जिन्होंने महज 18 साल की छोटी सी उम्र में ही देश के लिए बलिदान दिया था। आप सभी खुदीराम बोस के बारे में जानते होंगे। 18 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था। खुदीराम बोस को सन 1908 में अंग्रेजों के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बोला गया था और 20 अप्रैल 1908 में बोस ने अंग्रेजों की एक गाड़ी पर अफसरों ने पकड़ लिया और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। और इस तरह खुदीराम बोस ने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलवाने के लिए अपनी जान की शहादत दी। जानते हैं एक ऐसी और अनसंग स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, पीर अली खान। पीर अली खान वो नाम है जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पीर अली खान महज 7 वर्ष के थे जब वो उत्तर प्रदेश से पटना चले आए थे और पटना के एक जमींदार ने उन्हें रहने का ठिकाना दिया। पीर अली खान ने पटना में ही किताबों की एक दुकान खोली थी और वो दुकान सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था जहां सभी स्वतंत्रता सेनानी बैठते थे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की प्लानिंग किया करते थे। इसके साथ ही अंग्रेजों की कई सारी इन्फॉर्मेशन पीर अली खान के पास थी जो पीर अली खान सभी स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुंचाया करते थे। अंग्रेजों को इस बात का पता लगा और अंग्रेजों के कमिश्नर विलियम टेलर ने पीर अली खान को बीच सड़क पर 1857 में फांसी दे दी थी। मैं आपको बताऊं, बिहार सरकार ने शहीद पीर अली खान के सम्मान में एक चिल्ड्रंस पार्क भी खोल रखा है और इसके साथ पटना एयरपोर्ट के नज़दीक एक सड़क का नाम भी शहीद पीर अली खान मार्ग के नाम से दिया गया है। बात करते हैं एक ऐसे लीडर के बारे में जिन्होंने अपने राइटिंग स्किल से अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, अरबिंदो घोष एक काफी रेनाउंड स्पिरिचुअल लीडर और फ्रीडम फाइटर थे। उनकी लिटरेचर एंड लेक्चर्स की वर्क काफी मोटिवेशनल हुआ करती थी और उनकी आर्टिकल्स से हमारे फ्रीडम फाइटर्स काफी मोटिवेट हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे आर्टिकल्स लिखे जिनके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कुछ अनसंग फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। यूं तो ऐसे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके कारण हमारा देश आज आज़ाद है और फुर्सत ज्ञान की पूरी टीम उन्हें दिल से शत शत नमन करता है और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।